नहीं, बहुत बहनों को ये पता है डोमेस्टिक वायलेंस का, क्योंकि हुआ क्या कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट आया तो उसको वो बहुत स्ट्रांग एक्ट था जिससे बहनों को काफी अच्छी प्रोटेक्शन मिल रही थी जी। लेकिन हुआ क्या कि ये एक्ट जो लॉयर्स लोग हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू लॉयर्स, नथिंग अगेंस्ट देम, बट ये जो एक्ट है वो लॉयर्स लोगों ने बिगाड़ क्या किया, अलग गलत यूज करना चालू कर दिया। गलत यूज करना नहीं, एग्जांपल दूं कि कोई बहन जाती है कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मारपीट हो रही है, मेरे सासू ससुरा हस्बैंड जो भी होता है तो वो बताती है, तो लॉयर क्या पूछता है किसने मारपीट की, तो बोलेगी कि मेरे हस्बैंड ने की, तो बोलेगा घर में और कौन कौन, तो बोलेगा सासू ससुरा फूई बुई सबका नाम देंगे, तो बोलेंगे चलो अपने सबको फिट कर देते। तो ये फिट करने के नाम पर कई बार वो सासू बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी हो उस दिन पर, फिर भी बोले कि भाई सासू ने भी मारा, या वो बाहर गांव तो भी बोले ससुर ने मारा। तो हुआ क्या कि ये पूरा एक्ट को मिसयूज हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ टाइम पहले ही ये कंटाल गया, और ये एक्ट का पहले जो स्ट्रांग एक्ट था कि भाई जैसे ही 498 होती है ऐसे ही तुरंत उसको गिरफ्तार करने का होता है सबको, और तो बेल भी बहुत तकलीफ से मिलती है, तो ये एक्ट को बिगाड़ के ये लॉयर लोगों ने एक्ट को बिगाड़ दिया, और अब ये एक्ट इतना ढीला ढंकपट हो गया है कि ये एक्ट कोई काम का ही नहीं रहा है। सो इसलिए ये एक्ट के बारे में लोगों को पता है लेकिन ये मिसयूज हुआ है, और अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अगर इसका मिसयूज, इसके लिए बहुत सिंपल वाली बात, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर देश को कोई पीछे लाता है, अच्छा अच्छे लॉयर्स भी है लेकिन ज्यादातर लॉयर्स ये काम करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हर किसी को हक होता है अपनी वो करने का, अपनी लॉयर रखने का, ठीक है, वो जो रेपिस्ट है उसका भी लॉयर बन जाता है और बोलता है उसका हक है। लेकिन मुझे ये कहना है कि भाई आप जब बनते हो तो एटलीस्ट ये तो देखो कि अब झूठ बोल के आप उसको सेव क्यों करते हो, सच्चाई पे सेव करो ना। इसलिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि ये अगर फंडा क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ सकेगा। दूसरी बात, जो बहने कई बार इसको थोड़ा मिसयूज खुद ही आया आगे से झूठ झूठ बोल के करती है, वो भी बहुत जरूरी है कि वो स्टॉप होना चाहिए। और अभी यार एक्ट जो अभी जो चेंज हो गया, अमेंड हो गया, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता है, अभी तो क्या कहते हैं यू अगर वापस जाएगा लेजिस्लेशन में और कुछ उसमें आगे बढ़ेगा तो ही चेंज हो सकता है।